हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं अब थोड़ा कुछ अगले एक वीक के लिए मेरे जो वीडियोज़ हैं थोड़े अपने रूरल एरिया से आएंगे। दोस्तों, मैं अभी लीव पे, एक वीक की लीव पे दोस्तों अपने होम टाउन लौट चुका हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर अपना एक छोटा सा खेत है उसके अंदर थोड़े अमरूद के पेड़ और कुछ फ्रूट्स के लगाए थे। बेसिकली हॉर्टिकल्चर के साथ मैं एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट किया, जैसे मेरे फादर जो है फार्मर है। सो बेसिकली हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा एक छोटा सा खेत है, इसके अंदर अराउंड 30-35 अमरूद के पेड़ और बाकी कुछ फ्रूट्स के हैं, वो विजिट करवाने वाला हूँ। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना यार आप सभी लोग। तो सबसे पहले इस लाइन से स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। मैं यहाँ पर हमने पपीता का पपैया का पेड़ है, उसके बाद में देख सकते हैं अमरूद का पेड़ है फ्रेंड्स, उसके बाद में एक अमरूद का एक कम से कम 7 से 8 लाइन का ये हमने लगाया है। मतलब उसमें हर एक लाइन के अंदर भी लगभग 7 से 8 पेड़ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, लास्ट ईयर का बरसात के सीज़न में था। हमारे यहाँ पे राजस्थान में बरसात थोड़ी कम होती है, इस बार अभी बरसात हुआ नहीं है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन ग्रोथ कुछ पेड़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जो है एक बार सब पेड़ों का आप एक बार विजिट कराऊं। देख सकते हैं आप यहाँ से कुछ पेड़ों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा, जैसे इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। वैसे ये दूसरी लाइन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी लाइन का एक हर एक लाइन में लगभग 7-8 पेड़ है। उसके अलावा एक ये ऑरेंज का पेड़ है दोस्तों, ऑरेंज का पेड़ में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद में हमने एक चीकू का पेड़ लगाया था, एक चीकू का पेड़ है जो कि अभी कुछ इसका प्रॉपर फ्रूट्स नहीं आते हैं, तो शायद इसको मैं भी चेंज करना पड़ सकता है। एक चीकू का पेड़ था जो कि किसी जानवर ने खा लिया, उसके कारण ऐसा रह गया था, तो इसको बदलना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप अनार का पेड़ है, इसके काफ़ी अच्छे खासे अनार आए हैं, लेकिन आई थिंक इसके अनार आने की वजह से दोस्तों अभी ये काफ़ी इसका वजन हुआ, तो थोड़ा पेड़ में ऊपर प्रॉब्लम, इसलिए इसको सेफ्टी से बांधा गया है ताकि ये पेड़ आगे डैमेज ना हो। उसके अलावा मैं आगे और आपको चीज़ें दिखाता हूँ दोस्तों। ये पेड़ अपना एक अनार का भी नया पेड़ लगा इस बार अनार का यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे फिर से एक मौसमी का पेड़ है। उसके अलावा दोस्तों एक बादाम का पेड़ भी लगाया हमने, बादाम जो है ये कैलिफोर्निया वाला बादाम का पेड़ है, ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे अच्छा तो किसी पेड़ ने ग्रोथ किया तो इस बादाम वाले पेड़ में ग्रोथ हुआ है। उसके अलावा हम आगे बात करते हैं, उसके अलावा एक रेड लाल अमरूद का भी पेड़ है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। काफ़ी छोटा था इसका, आधा था लास्ट ईयर, डबल हो गया ये भी। उसके अलावा एक और अमरूद का पेड़ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली इसके अंदर भी। हमारे दोस्तों टोटल 5 रोज़ है, हर एक रो में लगभग 7-8 पेड़ है, कुछ पेड़ जो हैं अच्छे प्रोग्रेस नहीं करे हैं। उसके अलावा ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की इस पेड़ ने भी पर्टिकुलरली। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमने कुछ आम जो कच्ची कैरी होती है उसका भी पेड़ लगाया था, लेकिन इसका किसी जानवर ने खा गया, इसलिए भी ऐसा बोना रह गया है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एंड वाली जो रो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नींबू का पेड़ लगाया था एक, उसके अलावा एक कच्ची आम जो रहता है ये कैरी का पेड़ है दोस्तों। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, आगे चलते हैं इस वाली रो में देख सकते हैं कि ये रहा दोस्तों गंवार की जो है, बेसिकली अभी गंवार किया है उसके बीच में ये पेड़ है अभी, और इस गंवार की वजह से जो भी आंधी तूफान आए थे राजस्थान में बरसात में, उसमें काफ़ी बचा हुआ है इन पेड़ों को। तो गंवार के बीच आप लगा सकते हैं इनको, गंवार कर सकते हैं बेसिकली, जिसमें के पेड़ लगाते हैं आप अगर हॉर्टिकल्चर का क्रॉप कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों इनकी ग्रोथ। हम लोग इनका भी इस सीज़न में फ्रूट्स अमरूद नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि 1.5 से 2 साल इनको पेड़ को बनने देने का टाइम नॉर्मली दिया जाना चाहिए, वरना पेड़ बेवजन पड़ सकता है और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं रहता तो दिक्कत आती है दोस्तों। अभी आगे चलते हैं फिर हमें, ये पूरा का पूरा खेत में गंवार वगैरह, ये फिर से एक अमरूद है। उसके अलावा लाल अमरूद है, यहाँ पे 2 लाल अमरूद थे दोस्तों, और ये फिर से एक अनार है। यहाँ का अनार अच्छा है, ये वाला अनार, इस साइड का अनार है। उसके अलावा एक ये अमरूद है जो कि बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा अमरूद का पेड़ बना है। उसके अलावा हमने एक गन्ने लगाए हैं दोस्तों, जो गन्ने रहते हैं जो दिवाली पे बिकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा ओवरव्यू मैं इसका दिखाते हूँ आपको, खेत का कंप्लीट ओवरव्यू है। ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, लेकिन जस्ट स्टार्ट किया, अभी पानी की काफ़ी किल्लत रहती है,
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सपोर्ट करते रहे। मैं जल्दी PIB की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ।